हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम ये बटुआ या छोटा सा पर्स बनाना सीखेंगे जिसमें हमने दो जिप वाली पॉकेट और दो सिंपल पॉकेट बनाई है। इसे घर में रखे हुए सामान से ही आप बना सकती हैं। बनाना बहुत ही इजी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर सबसे पहले हमने कॉलर वाली पेस्टिंग ले ली है, जिसकी चौड़ाई देखिए 9 इंच ली है हमने, और इसकी लेंथ जो ली है 8.5 इंच ली है। 9 इंच वाली साइड से हम सेंटर से इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पर 4.5 इंच आना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे और एक लाइन लगा लेंगे। अब यहां से भी हम 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे फोल्ड साइड से आगे की तरफ, और मार्क लगा लेंगे और एक सीधी लाइन लगा के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमें अब इसे पेस्ट करना है आयरन पे। अब देखिए फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर हम इस पेस्टिंग को पेस्ट कर लेंगे। एकदम हमें गरम आयरन करनी है, काफी तेज गरम, और इसको पेस्ट कर लेना है फैब्रिक पर। तो देखिए दोस्तों, मैंने लाइनिंग की और फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब देखिए हमें यहाँ पर और यहाँ पर इतनी जगह छोड़ देनी है, बाकी के हिस्से पे हम स्टिच कर लेंगे यहाँ तक। स्टिच लगाने के बाद जो बाहरी कॉर्नर है इन पे हमें ट्रिम कर लेना है इस तरीके से, और जो ये इनर कॉर्नर है इस पे हम कट लगा लेंगे। अब जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी थी वहाँ से हम इसे टर्न कर लेंगे राइट साइड की ओर। तो देखिए हमने राइट साइड की तरफ से टर्न कर लिया है। अब जहां से हमने इसे टर्न किया था उस ओपनिंग को हम इस तरीके से क्लोज कर देंगे स्टिच लगा के। अब फिनिशिंग करने के बाद देखिए यहां से हम इसे मोड़ के यहां पे एक किनारे की स्टिच लगाएंगे, दूसरे किनारे की स्टिच इस कॉर्नर पे लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमने यहाँ पर ये जिप ले ली है 5 इंच पे से 2 पॉइंट कम है ये, और ये हमने फैब्रिक ले लिया है जिसे हम एक दोनों साइड पे जिप के स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जिप के साइड पे फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। अब हमने ये फैब्रिक और ले लिया है जिसे कि हम जिप के साथ स्टिच करेंगे और बैठी हुई स्टिच भी लगा के इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। ये तो हमने तैयार कर लिया। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। और इस जिप वाले हिस्से को यूं रखेंगे और इसे जो किनारे हैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब आप चाहे तो इस पे स्टिच लगा सकते हैं मशीन से, या फिर अगर आप चाहें तो आप हाथ की सुई में डबल थ्रेड डाल के इस पर तुरपाई कर सकते हैं। तो जो भी आपको इजी लगे वो आप कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर जो की है मैं ये तुरपाई कर रही हूँ, तो तुरपाई करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी आगे। तो देखिए हमने यहाँ पर तुरपाई करके इस पॉकेट की फिनिशिंग कर ली है। अब हमने ये एक फैब्रिक और ले लिया है, 5.2 इंच लेंथ का है और विड्थ इसकी 5 इंच है। जिप ले लेंगे 5 इंच की, और इसको जिप को हम इसके दोनों सिरों पर यूं स्टिच कर लेंगे, ऐसे लगाएंगे और स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए जिप को स्टिच करने के बाद हम इसको राइट साइड की तरफ टर्न कर लेंगे और इस तरह से हमें रखना है इसे,
अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से हमें इसको हाफ कर लेना है, इस वाले हिस्से को भी हाफ कर लेना है। और अब हमें इसके बीच में इस पॉकेट को रखना है ऐसे करके, और यहाँ पर हमें स्टिच लगा लेनी है। इस साइड पर भी हम इसे सेंटर पे रखेंगे पॉकेट को एकदम, और मशीन के एक पैर की स्टिच लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें पॉकेट को सेंटर पे रखना है और यहाँ पर इस पे मशीन के एक पैर की स्टिच लगा लेनी है ताकि पॉकेट जो है इसके साथ अच्छे से स्टिच हो जाए। तो पहले हम एक तरफ स्टिच लगाएंगे, फिर इसके बाद हम दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए अब दूसरी साइड पर भी हमें स्टिच कर लेना है इसे। तो देखिए दूसरी साइड पे भी हमने स्टिच लगा लिया। अब हम इसे यूं किनारा भी रख के स्टिच लगा लेंगे। दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से हम स्टिच लगा के इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने साइड की भी फिनिशिंग कर ली है, इस साइड पर भी फिनिशिंग कर ली है। अब इस तरीके से इसका फ्लैप जो है फोल्ड कर लीजिए, और अंदर की साइड से हमें या तो टिच बटन या फिर मैग्नेट बटन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर टिच बटन लगा लिया सेंटर पे, तो साइड देखिए कितनी अच्छे से फिनिशिंग हुई है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इसी तरीके के DIY स्टिचिंग के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और ये बिल्कुल ही फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।